आप सभी ने कभी ना कभी यह तो सुना ही होगा कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, मगर क्या कभी आपने ये सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका इंडिया फ्रेश टोस्ट के यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे एप्पल और उससे होने वाले फायदों के बारे में। एप्पल, जिसको हिंदी में सेब कहा जाता है, कि कई सारी वैरायटीज आपको मार्केट में देखने को मिलती है, जिनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कश्मीरी एप्पल, जिसे आमरी एप्पल भी कहा जाता है, एक हिमाचली एप्पल जिसे कि किन्नौर एप्पल के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, फूजी एप्पल, ग्रेनी स्मिथ एप्पल जिसको कि ग्रीन एप्पल कहा जाता है, रेड डिलीशियस एप्पल और जिसको हम वॉशिंगटन एप्पल भी कई बार कहते हैं, गाला एप्पल। इसके अलावा भी कोई और वेराइटी भी मार्केट में आपको मिल सकती है, लेकिन ये ज़्यादा पॉपुलर वेराइटीज़ हैं जो कि मार्केट में आपको दिखाई देती है। अगर हम बात करें इंडिया में किन स्टेट्स में एप्पल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो जम्मू कश्मीर इसमें पहले स्थान पर आता है, जो कि कुल प्रोडक्शन का 77.71% प्रोडक्शन करता है। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश जो कि 19.19% प्रोडक्शन करता है, और उसके बाद में उत्तराखंड जो कि 2.52% प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु में भी एप्पल का प्रोडक्शन किया जाता है। आइए जानते हैं कि एप्पल का न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होता है। अगर हम बात करें एक मीडियम साइज एप्पल की, तो उसमें लगभग 90 से 100 कैलोरीज होती है। यह फैट, कोलेस्ट्रॉल और सोडियम फ्री होता है। इसमें 1 ग्राम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट 25 ग्राम, 19 ग्राम नेचुरल शुगर और 3 ग्राम फाइबर होता है। और इसी की वजह से इसकी जो फायदे हैं हमारी बॉडी के लिए, वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि एप्पल में कौन कौन से विटामिन और कौन से फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। एप्पल जो है वो फाइबर रिच होता है। इसमें सॉल्युएबल एंड इनसॉल्युएबल दोनों ही तरीके के फाइबर पाए जाते हैं। ये विटामिन सी का भी एक रिच सोर्स है, और इसमें कई सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो दो पॉपुलर फाइटोकेमिकल्स इसमें पाए जाते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्लांट केमिकल हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। क्वेरेसिटीन जो कि एक फ्लेवोनॉइड होता है, इसकी प्रॉपर्टीज एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। और दूसरा पेक्टिन जो कि एक सॉल्युएबल फाइबर होता है। आइए अब जानते हैं कि हमें एप्पल को कैसे खाना चाहिए। यदि हम देखें, अगर आपके पास टाइम नहीं है और इमीडिएटली आप ईटिंग के लिए जाने वाले हैं, तो आप उसको प्लेन वाटर से या रनिंग वाटर में अच्छे से वॉश कर लें, क्योंकि कुछ स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि एप्पल पे जो पेस्टिसाइड रेसिड्यू होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से आपको उसको अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो उसको पील करके खाते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उसके ज़्यादातर न्यूट्रिशंस होते हैं वो उसकी पील में यानी कि छिलके में ही पाए जाते हैं। और यदि अगर आपके पास टाइम है, तो आप एक काम करिए, बेकिंग सोडा सोल्यूशन बना लीजिए। इसको बनाने के लिए आप 1 टीस्पून बेकिंग सोडा लीजिए और 2-3 कप पानी लीजिए, और उनको मिक्स करके उसमें आप जो एप्पल्स हैं उनको थोड़ी देर के लिए सोक कर दीजिए, और उसके बाद में उसको अच्छे से धो लीजिए प्लेन वाटर से या रनिंग वाटर से, और उसके बाद में उसको वाइप करके, और फिर आप उसको छिलके के सहित ही खाइए, क्योंकि छिलके में सबसे ज़्यादा फाइबर होता है और विटामिन सी कंटेंट भी छिलके में ज़्यादा होता है। आइए अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एप्पल की। अगर हम बेनिफिट्स देखें, तो एप्पल हमारे लिए पूरी तरीके से बहुत फ़ायदेमंद है, और हमारे बॉडी के ज़्यादातर पार्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट डिसीज़ के बारे में। अगर हम देखें, तो क्योंकि जो एप्पल है वो कोलेस्ट्रॉल लेस होता है, और ये हेल्प करता है हमारे शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाने के लिए, और इसकी वजह से ये हमारा जो हार्ट डिसीज़ का रिस्क है उसको कम करता है, और हमारा बीपी भी कंट्रोल में करता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बात की जाए, तो जो एंटीऑक्सीडेंट फ्लेवोनॉइड इसमें होता है क्वेरेसिटिन, वो प्रोटेक्ट करता है हमारे पैनक्रियाज डैमेज को, जो कि इंसुलिन सीक्रेट करता है। और इस तरीके से टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट्स को डॉक्टर अक्सर ये सलाह देते हैं कि आप दिन का 1 एप्पल खाया करिए। दूसरी बात करें वेट मैनेजमेंट की, क्योंकि एप्पल में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से ये हमारे डाइजेशन प्रोसेस को काफ़ी स्लो डाउन कर देता है, और उसकी वजह से यदि अगर आप 1 एप्पल खा लेते हैं, तो आप काफ़ी सेटिस्फाइड फील करते हैं, और आपको भूख उतनी जल्दी नहीं लगती है, और इसकी वजह से आप ओवर ईटिंग से बचते हैं, और इसी आधार पर आप ज़्यादा वेट पुट ऑन करने से भी बचते हैं। अब और स्टडीज़ में ये भी पाया गया है कि ये कैंसर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ एप्पल में होती है, वो हमारे सेल के डीएनए को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाती हैं, जो कि हमारे जो कैंसरस सेल्स, अगर किसी को कैंसर है तो कैंसरस सेल्स को आगे बढ़ने से, ग्रो करने में और फैलने में, स्प्रेड होने से भी बचाता है। कुछ स्टडीज़ में ये पाया गया है कि लंग कैंसर के लिए एप्पल का जो यूज़ है वो काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ है। आइए अब बात करते हैं लाइफ एंड स्टोरेज की, कि हमें किस तरीके से एप्पल को स्टोर करना चाहिए।
अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, यानी कि आप उसको रेफ्रिजरेट नहीं करते हैं, तो जो एप्पल की लाइफ है, अगर वो फ्रेश एप्पल है, तो उसकी लाइफ कम से कम 7 से 8 दिन होती है, और ये 10 दिन तक भी जा सकती है। यदि आप इसको रेफ्रिजरेट करते हैं तो एप्पल की शेल्फ लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, और ये कम से कम 1 से 2 महीना तो इसे कुछ भी नहीं होता है। ये आपको सुनकर हो सकता है थोड़ी हैरानी हो रही हो, लेकिन ये हमने पर्सनली खुद भी देखा है। हम एप्पल्स लेके आए थे और हमने उसको रेफ्रिजरेट किया, लेकिन वो 3 से 4 महीने वैसा ही रहा जैसे हमने उसको ख़रीदा था। तो एप्पल की शेल्फ लाइफ रेफ्रिजरेट करने पे काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन आपको एप्पल को स्टोर करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एप्पल को सेपरेटली स्टोर करें, मतलब उसको किसी और फ्रूट्स के साथ या वेजिटेबल्स के साथ ना रखें, उसको एक अलग कंपार्टमेंट में या अलग पॉलीबैग में पैक करके फिर रखें, क्योंकि एप्पल जो है एथिलीन को इमिट करता है। एथिलीन रिस्पॉन्सिबल होता है जो राइपनिंग प्रोसेस होता है, जो फ्रूट के पकने की जो प्रोसेस होती है उसको फास्ट करने के लिए। तो इस वजह से अगर आप बाकी फ्रूट्स को उसके साथ रखेंगे तो ये एथिलीन सीक्रेशन की वजह से वो जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, जो दूसरे फ्रूट्स आपने उसके पास रखे हैं, वो जल्दी पक सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, और ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया फ्रेश स्टोर्स, और अगले आने वाली वीडियोज़ में हम बात करेंगे सिट्रस फ्रूट्स के बारे में। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।